आई होप आप मजे में होंगे। दिस इज भक्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एवरी संडे मैं लेके आती हूँ एक नया वीडियो, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है तो वीकडेज में भी वीडियोस आएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेस्टिवल रिलेटेड आर्ट। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और आज के वीडियो में हम देखेंगे गणपति डेकोरेशन आइडिया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रथ रिंग ली है और इसकी साइज जो है वो 18 इंचेस है और ये मैंने डॉलर स्टोर से परचेस की है। तो इस डेकोरेशन के लिए ये जो रथ रिंग है वो हमें थोड़े से बड़े साइज की लेनी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फ्लावर गार्लैंड्स का यूज कर रही हूँ और ये मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं। तो इस डेकोरेशन के लिए छोटे फ्लावर्स बहुत सुंदर दिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे फ्लावर्स के गार्लैंड यूज किए हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक मास्किंग टेप लेके ये जो गार्लैंड है वो इस रेथ रिंग को फिक्स कर रही हूँ, जैसे वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पर आप थ्रेड का यूज करके भी ये गार्लैंड इस रेथ रिंग को फिक्स कर सकते हो। तो अब ये जो फ्लावर गार्लैंड है वो हमें इस रथ रिंग के अराउंड रैप करनी है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। ये जो फ्लावर गार्लैंड है वो मुझे 4 के सेट में मिले हैं और ये चारों भी इस रिंग को रैप करने के लिए यूज हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 फ्लावर गार्लैंड यूज किए हैं। तो यहाँ पर रिंग को मैंने फ्लावर से रैप कर लिया है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पर मैंने बॉटम का पोर्शन थोड़ा सा एम्प्टी रखा है, वहाँ पर मैंने फ्लावर्स रैप नहीं किए हैं। अब यहाँ पर मैं एक ड्राई फोम का यूज कर रही हूँ और ये मैंने डॉलर स्टोर से परचेज किया है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का ड्राई फोम मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट ये जो फ्लावर रिंग है उसे हमें इस ड्राई फोम में फिक्स करना है, और फिक्स करने के लिए ये जो फ्लावर रिंग है वो हमें अच्छे से इस ड्राई फोम में प्रेस करना है, तो ये ड्राई फोम के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो ये जो फ्लावर रिंग है वो इस ड्राई फोम में अच्छे से फिक्स हो गई है, लेकिन हमें अच्छे से और फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं मास्किंग टेप का यूज करूंगी और इस रिंग और फोम के अराउंड उसे रैप कर दूंगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये फ्लावर रिंग अब अच्छे से फिक्स हो गई है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लेके इस फोम में फिक्स कर दूंगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पर हम सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट गणेशा जी के बैक साइड में आएगा तो ये ज्यादा दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ पर किसी भी टाइप के फ्लावर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये फेरी लाइट्स यूज करूंगी और ये जो फेरी लाइट्स है वो मुझे गार्लैंड्स के साथ ही मिले है। तो ये जो लाइटिंग का बैटरी वाला पोर्शन है वो मैं बैक साइड में रखूंगी और फिर ये जो लाइटिंग है वो इस फ्लावर के अराउंड रैप करना स्टार्ट करूंगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो प्लास्टिक की गोल्ड बीड्स की माला होती है वो यूज करूंगी और यहाँ पर मैं कुछ बेल्स का भी यूज करूंगी। तो ये जो बेल्स है वो मैंने इस बीड्स की जो चेन है उसे फिक्स कर दी है, और ये जो चेन है वो अब मैं इस फ्लावर्स में फिक्स कर दूंगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं एक जंप रिंग का यूज करके इसे इन फ्लावर्स में फिक्स कर दूंगी। तो इस तरह से ये जो चेन्स है वो हमने फिक्स कर दी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक बॉक्स लूंगी और ये काफी हेवी बॉक्स है, यहाँ पर हमें एम्प्टी बॉक्स नहीं यूज करना है। अब मैं यहाँ पर एक गोल्डन पेपर का यूज कर रही हूँ। अब इस गोल्डन पेपर से हमें इस बॉक्स को रैप कर देना है, तो यहाँ पर मैं मास्किंग टेप का यूज करके ये जो गोल्डन पेपर है उसे इस बॉक्स के अराउंड रैप कर रही हूँ। तो जैसे हम बुक्स को कवर से रैप करते हैं उसी तरह से मैंने ये जो बॉक्स है उसे गोल्डन पेपर से रैप कर लिया है। तो गोल्डन पेपर से रैप करने के बाद अब ये बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं एक गोल्डन लेस का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर हॉट ग्लू के हेल्प से ये जो लेस है वो मैं इस बॉक्स के अराउंड रैप कर दूंगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है।
तो लेस टिक करने के बाद ये बॉक्स अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड के रोल्स का यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने दो सेम लेंथ के कार्डबोर्ड के रोल्स लिए हैं। अब यहाँ पर मैं सेम गोल्डन पेपर का यूज करूंगी और इस कार्डबोर्ड का जो रोल है उसे रैप कर दूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पिंक ग्लिटर पेपर का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल कट कर लिया है। ये कट किया हुआ जो सर्कल है वो इस कार्डबोर्ड के रोल को मैं स्टिक कर दूंगी हॉट ग्लू के हेल्प से, जैसे वीडियो में दिख रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्टोन के स्टिकर्स का यूज कर रही हूँ। अब इसे मैं जो सर्कल हमने स्टिक किया था उसके अराउंड स्टिक कर दूंगी, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो फाइनली ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पिंक ग्लिटर टेप का यूज कर रही हूँ और ये मैं स्टिक कर दूंगी जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो गणपति जी का आसन यहाँ पर रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये जो साइड के लोड्स है इसे मैंने हॉट ग्लू से फिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पर सारा डेकोर बनाना तो रेडी हो गया है, अब सब कुछ अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में मैंने एक व्हाइट कलर का शीट लगाया है और टेबल पर मैंने एक वेलवेट का पर्पल कलर का फैब्रिक डाल दिया है। नेक्स्ट हमने जो फ्लावर का डेकोरेशन बनाया था वो मैं टेबल के सेंटर में रख दूंगी। उसके बाद मैंने गणपति जी का आसन जो हमने बनाया था वो रख दिया है। अब बैकग्राउंड में जो भी मारीगोल्ड के फ्लावर गार्लैंड्स मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने प्लेस कर दिए है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। कुछ गार्लैंड्स मैंने टेबल पर भी प्लेस कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो भी मेरे पास लैम्प्स थे वो मैंने टेबल पर रख दिए हैं और यहाँ पर ये डेकोर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और आपको मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए आर्ट के साथ। बाय बाय।